गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे कुमार गंधर्व के द्वारा रचे गए अध्याय भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जो कि हमारी पाठ्यपुस्तक वितान का प्रथम अध्याय है। इसमें हम बात कर रहे थे प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री लता मंगेशकर, जो बहुत समय से संगीत जगत में अनअभिषिक्त साम्राज्ञी बनी हुई है। उसके संगीत की विशेषताओं ने, जिसमें कोमलता, मुग्धता, नादमय उच्चार, निर्मलता, गानपन आदि ने उसे सर्वोत्कृष्ट गायिका सिद्ध किया है, जिसके कारण वो आज संगीत के क्षेत्र में स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। उसे शास्त्रीय गायकी और चित्रपट की जो गायकी है, दोनों की अच्छी समझ है, ऐसा मानते हैं। उसके संगीत को सुनकर के ही आज नन्हे मुन्ने, नौजवान, युवक, बुजुर्ग सब संगीत के बारे में जानने लगे हैं, उसमें उनकी रुचि का विकास हुआ है। परंतु संगीत के दिग्दर्शक या जानकार क्या करते हैं, लता से अधिकांशतया ऊंची पट्टी में गवाते हैं, उसे अकारण ही चिल्लवाते हैं, जो उचित नहीं है। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब बात करते हैं पेज नंबर 4। यहाँ पर देखिए, आप एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। तो कुमार गंधर्व कहते हैं कि मेरे मत से ये प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है, प्रयोजनहीन बिना कारण, बिना उद्देश्य के है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। यहाँ पर अंतर भी आएगा दोनों का, जो आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं हो सकती, देखिए, क्योंकि जहाँ, अंडरलाइन करना, जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, यानी गंभीरता होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए, वहीं जल दलय का मतलब है द्रुत लय, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में स्लो, धीमी, मंद लय चलती है, लेकिन चित्रपट में क्या होता है, 3 से 4 मिनट का गाना होता है, तो उसे क्या करना पड़ता है, द्रुत लय में, तेज लय में गाना पड़ता है। और चपलता यानी शीघ्रता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का होता है, मतलब प्राइमरी स्टेज की ताल होती है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है, यानी शुद्ध रूप में, मतलब स्वर की जो आखिरी सीमा होती है वहाँ तक शास्त्रीय गायकी में देखने को मिलता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, संपूर्ण ताल का उपयोग नहीं किया जाता है, वहाँ पर आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि वो गीत शीघ्रता से पूर्ण हो जाए। सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। लोच स्वरों का बारीक और मनोरंजक प्रयोग, उसे कहा जाता है लोच। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निसंशय है। ऐसा इसलिए कहा कि चित्रपट गायक को अगर शास्त्रीय संगीत की समझ नहीं होगी तो सारी सुर, लय, ताल की समझ उसमें हो नहीं सकती, और जब तक सुर, लय, ताल की समझ नहीं है तो वो चित्रपट गायकी को भी परिपूर्ण रूप से नहीं निभा सकता, क्योंकि चित्रपट में 3-3.5 मिनट का गीत होता है, 4 मिनट का होता है, उसमें क्या होगा, उसमें वो अपनी कला को प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, क्योंकि शास्त्रीय गायकी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2-3 घंटे की महफिल जमती है, जबकि चित्रपट का गाना क्या होता है, 3-4 मिनट का गाना होता है, फिल्मों का गाना घंटे की महफिल होती है। इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। क्यों कहा है ऐसा, मैं आपको बता दूं कि किसी भी बात को आप चाहे 1 पेज में लिखो, चाहे 10 पेज में लिखो,
और अर्थ वही निकल रहा हो, और उसी बात को आप दो लाइन में लिख दो और अर्थ वही निकल रहा हो, तो आनंद तो वही प्राप्त होगा, कला वही रहेगी। तो यहाँ पर देखिए वही बात है, जैसे हमारे यहाँ बिहारी के लिए कहा गया है, बिहारी हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार हुए हैं जो रीतिकाल के थे, कि उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है। गागर में सागर है ना, घड़े में समुद्र को डाल देना, मतलब उन्होंने वो दो लाइन का दोहा लिखते थे, उसमें पूरी गहराई से पूरे अर्थ को प्रकट कर दिया करते थे। तो बिहारी ने जैसे गागर में सागर भरा है, वैसे ही क्या होता है, किसी भी बात को क्या करना होता है, चाहे आप लंबा चौड़ा लिखो, चाहे उसे दो लाइन में स्पष्ट कर दो, कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य क्या होता है, पूरी तरह से एक ही होता है। इसीलिए बिहारी के लिए कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कि सतसैया यानी बिहारी सतसई, जो उनका ग्रंथ है जिसमें 700 से अधिक दोहे लिखे गए हैं, कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, जैसे नाविक होता है वो किनारे पर पहुंचता है, वैसे देखन में छोटे लगे, कि देखने में तो वो छोटे लगते हैं लेकिन क्या करते हैं वो घाव करे गंभीर यानी गहरा अर्थ प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर वही बात स्पष्ट करने का प्रयास लेखक के द्वारा किया गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे उदाहरण देकर के बता रहा है, किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख होता है यानी बहुत बड़ा लेख होता है, जो जीवन के रहस्य का विशद यानी विशाल रूप में बड़े रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से भी प्रकट होता हुआ दृष्टिगोचर होता है। सुभाषित संस्कृत के दोहे, संस्कृत के श्लोक जो होते हैं आपने पढ़े होंगे, संस्कृत जब पढ़ी होगी तो सुभाषितानी के नाम से एक अध्याय आता था जहाँ पर आपके दोहे आते थे, आप देखो वही बात उन दो लाइनों में प्रकट होती थी, और यहाँ पर वही बात एक लंबे चौड़े लेख में प्रकट करने की बात कही गई है। तो क्या कहा, उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है, यानी लता के 3 मिनट का गाना सुन लो या शास्त्रीय गायकी की 3 घंटे की महफिल सुन लो, आपको आनंद उतना ही प्राप्त होगा। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है, मतलब जिसमें स्वर भी है, लय भी है, ताल भी है, शब्दार्थ भी है, सब कुछ है। स्वर लय और शब्दार्थ का वहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है, यानी तीनों का आकर के मिलन होता है। त्रिवेणी संगम, जैसे 3 नदियाँ एक जगह पर मिलती है तो उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर स्वर लय और शब्दार्थ का संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को यानी रस ग्रहण करने वाला रसिक, उसको आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर भी उसका महत्व ठहराना उचित है। कि अगर मान लो कोई गाना है और रसिक को उससे आनंद प्राप्त नहीं हो रहा तो वो गाना गाना नहीं माना जा सकता। चाहे 3 घंटे की महफिल हो और वो रसिक को अगर आनंद प्रदान नहीं कर रही है तो 3 घंटे की महफिल भी उसके लिए व्यर्थ है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी अगर रंजक न हो, रंजक यानी आनंद प्रदान करने वाला, मनोरंजन करने वाला, आनंद की अनुभूति कराने वाला या रस प्रदान करने वाला, तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, शास्त्रीय बैठक मतलब जो 3 घंटे की महफिल होती है उसके पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, बल्कि वो उसके पक्केपन की वजह से प्राप्त होता है वो गानपन। गाने की सारी मिठास उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। रंजकता मतलब आनंद की अनुभूति प्रदान करने पर निर्भर करती, अवलंबित यानी निर्भर करना, क्योंकि अगर गाना आनंद की अनुभूति नहीं करा रहा, रस प्रदान नहीं कर रहा, मनोभावों की अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही तो वो गाना श्रेष्ठ नहीं हो सकता। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा
जाए सब इसमें समाविष्ट होता है, यानी इसमें निहित होता है। जैसे कोई मनुष्य है और किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का बनाया गया तेल चित्र यानी ऑयल पेंटिंग, जिस चित्र में तेलीय रंगों का प्रयोग किया जाता है, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय गान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। जैसे हड्डियों का ढांचा सुंदर लगेगा या वो तेल चित्र लगेगा, ठीक इसी प्रकार से संगीत होता है, ये शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों के द्वारा जो अभिव्यक्ति होती है वो इसी प्रकार का उदाहरण से समझी जा सकती है। धन्यवाद।